हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि इंडियन फुटबॉल का ये सीज़न काफ़ी ज़्यादा लंबा रखा गया है AIFF और FSDL के द्वारा। तो दोस्तों, डूरन कप से इंडियन फुटबॉल का सीज़न शुरू हुआ है और अप्रैल के महीने में सुपर कप के बाद इंडियन फुटबॉल का सीज़न ख़त्म होगा। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने का सीज़न रखा गया है इंडियन फुटबॉल का। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि इंडियन फुटबॉल का ये सीज़न शुरू हुआ है डूरन कप से, और दोस्तों खबर आ रहा है कि डूरन कप ख़त्म होने के बाद इंडियन सुपर लीग शुरू हो जाएगा अक्टूबर के महीने से। तो दोस्तों, अभी फिलहाल जो खबर आ रहा है कि अक्टूबर 7 को पहला मैच खेला जाएगा इंडियन सुपर लीग 2022-23 का, और दोस्तों खबर है कि पहले मैच में केरला ब्लास्टर FC उतरेगी इमामी ईस्ट बंगाल FC के खिलाफ केरला ब्लास्टर FC के ग्राउंड कोची के स्टेडियम में। तो दोस्तों, खबर अब तक कंफर्म नहीं हुआ है इंडियन सुपर लीग मैनेजमेंट के द्वारा, लेकिन दोस्तों काफ़ी बिग सोर्सेस से ये खबर आ रहा है कि 7 अक्टूबर को केरला ब्लास्टर FC और इमामी ईस्ट बंगाल FC के बीच मैच से इंडियन सुपर लीग 2022-23 सीजन शुरू होगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।